मैं जानता हूं एक और ऐसा मनुष्य है जो भार्गवी को ढूंढने जा रहा है। आपको बस उस व्यक्ति को जाके सूचित करना है और आपका कार्य समाप्त। वासु का अनुसरण करने के स्थान पर उस व्यक्ति के साथ रहिए और भार्गवी को ढूंढने जाइए। किंतु ये व्यक्ति है कौन, ये तो बताओ। ये तैयारी की आपने हमारे विवाह के लिए? क्या ये विवाह का घर लगता है? लगता है किसी शमशान घाट पर आ गए। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वेंकटगिरी में ही नहीं और आपका नाम मिट्टी में मिल जाए। और ये तो अपने घर की लक्ष्मी अपनी पुत्री को घर से जाने से नहीं रोक पाए, हमारे मान सम्मान की क्या रक्षा करेंगी ये? गोविंदराज। प्रणाम ऋषि। तुम यहां कैसे? मैं क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर, इस प्रकार अकस्मात आपको बिना बताए यहाँ आपसे मिलने चला आया, किंतु बात ही कुछ ऐसी थी कि। क्या बात है? महल में पुनः कोई नवीन समस्या उत्पन्न हो गई क्या? नहीं, समस्या नहीं है, सूचना है। बोलो। वो बात यह है कि राज्य में हर कोई भार्गवी को ढूंढने में लगा हुआ है। राजकुमारी पद्मावती ने भी सैनिक भेजे हैं भार्गवी को ढूंढने के लिए, और राजकुमार वसु तो स्वयं गए हैं। किंतु जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। भार्गवी के पिता होकर आपको किसी ने इस बारे में अभी तक सूचित नहीं किया। मुझे लगा कि आपको तो ये बात सर्वप्रथम बताई जानी चाहिए, इसीलिए शीघ्र मैं आपके पास चला आया। और मैंने ये बात और किसी को भी नहीं बताई है अब तक, श्रीनिवास तक को नहीं। मैंने ठीक किया ना ऋषिवर? हाँ गोविंदराज, तुमने उचित किया। हमें वासु का अनुसरण करना होगा। तुम भी मेरे साथ चलो भार्गवी को ढूंढने। जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमारी पद्मावती के सैनिक हूँ या वासु, हमें इन सब से पूर्व भार्गवी को ढूंढना होगा। मुझे तो लगा था कि ये श्रीनिवास मूर्खता की बातें कर रहा था, किंतु इसका साधा हुआ प्रत्येक बाण लक्ष्य पर ही लगता है। अच्छी बात यह है कि अब हमें भार्गवी शीघ्र मिल जाएगी। कितनी कड़ी धूप है यहाँ। जानता हूं ये खोज अत्यंत कठिन है, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि मेरी भार्गवी हार नहीं मानेंगे। कुछ पता नहीं चला उमा का, सब स्थान पे ढूंढ लिया किंतु कुछ पता नहीं कहाँ रहती है, कैसे ढूंढू उसे? तुम उमा से अवश्य मिलोगी श्री। दिव्य ध्वनि कहां से आ रही है? ये शंखनाद की ध्वनि तो यहीं से आ रही है। हे
नहीं ढूंढ रही हूँ। प्रसन्नता हुई कि तुम मिल गई। शंखनाद, नहीं सुना आपने? पूजा आरंभ हो रही है और आरंभ होने से पहले ही आपने विघ्न डाल दिया। जाइए आप यहाँ से, जाइए। कदाचित मुझसे ही कोई भूल हो गई उस कन्या को समझने में। कल वो मेरे लिए भोजन लेकर आई तो मुझे लगा कि उसका हृदय पवित्र है, किंतु नहीं। इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझे। मेरी ही भूल थी। प्रतीत हो रहा है कि आज रात ये लोग यहीं पर विश्राम करने वाले हैं। अब इनकी योजना का पता चलेगा, तत्पश्चात हम भी अपनी योजना बना लेंगे। जी, जैसा आप कहें। देखते हैं दूसरे सैनिक वहां क्या कर रहे हैं। एक बात सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी निष्ठा राजकुमारी पद्मावती के प्रति होगी। आप सबको स्मरण तो है ना कि उन्होंने इस खोज पर भेजने से पूर्व पहले क्या कहा था। एक बात का ध्यान रहे, जैसे ही भार्गवी की कोई भी सूचना मिलती है तुम लोग आकर सबसे पहले मुझे सूचित करो। कहने को कुमार वासु इस खोज का नेतृत्व कर रहे हैं, किंतु मुझे विश्वास नहीं कि वो पारदर्शिता से मुझे इसकी सूचना देंगे। इसलिए शंभू तुम इस खोज का वास्तविक नेतृत्व करोगे। निष्ठा का कोई मोल नहीं होता, किंतु पुरस्कार अवश्य होता है। इसलिए मैं आप सबको कुछ देना चाहती हूँ, ये आप सबके लिए है। आशा करती हूँ कि हम भार्गवी को शीघ्र ही खोज लेंगे। ये केवल एक स्वर्ण मुद्रा नहीं है, राजकुमारी ने हम पर जो विश्वास किया है ये उसका प्रतीक है। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते, समझे? जी सेनापति जी। आज का पूर्ण दिवस व्यर्थ हो गया बाला। मुझे लगता है कि हमें उत्तर की ओर से जाना चाहिए। ऐसो, क्योंकि यहाँ पहाड़ी नहीं समतल भूमि है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भार्गवी अवश्य ही पहाड़ों की ओर नहीं गई होगी। तो ठीक है, कल हम लोग उत्तर दिशा की ओर कूच करेंगे। हम सबको भिन्न मार्गों में जाकर ढूंढना होगा और जाकर बाकी रक्षकों को भी सूचित कर दिया जाए कि भार्गवी की जिसे जो भी सूचना मिले सबसे पहले आकर वो मुझे सूचित करे। आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे और कल सूर्य की पहली किरण निकलते हम यहां से निकल जाएंगे। राजकुमार। वाह वाह वाह, आपका अनुमान तो शत प्रतिशत उचित निकला है ऋषि भिखु। ये लोग तो सत्य में यहाँ विश्राम करने वाले हैं रात्रि में। आपके ज्ञान को शत शत प्रणाम है। अब मैं कार्य करता हूँ, मैं भी यहाँ कुछ लकड़ियाँ लेकर आ जाता हूँ। अब शीत भी हो रही है, आपको ठंड लग रही होगी ना, तो जब तक ये लोग विश्राम करेंगे हम भी अग्नि के नीचे विश्राम हो जाएगा। मैं अभी गया और अभी लकड़ी लेकर आई। यदि हमने यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई तो उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उनके अतिरिक्त भी यहाँ कोई है। यदि शीत लग रही है तो उसे सहन करो। हाँ, वो सैनिक भार्गवी को धन के लिए ढूंढ रहे हैं, किंतु मैं अपनी पुत्री को ढूंढ रहा हूँ और उन सबसे पहले मुझे अपनी पुत्री को ढूंढना ही होगा। जी जी, एक किनके साथ भेज दिया भार्गवी को ढूंढने के लिए तुमने श्रीनिवास? अब जब तक भार्गवी नहीं मिलती तब तक इनकी हर बात माननी पड़ेगी मुझे, और यदि नहीं मानी तो कमंडल उठाएंगे और